जय गिरनार, जय नैमिनाथ। विश्व की सबसे प्राचीन प्रतिमा जहां पर विराजमान है वो है गिरनार। भारत भर में एकमात्र ऐसा जिनालय जिसमें केवली सिद्धात्मा विराजमान है वो है गिरनार श्री रथनेमिका जिनालय। आकाश में उड़ने वाले पंछियों की छाया अगर गिरनार पर पड़े तो वो भाव में वो पंछियों की दुर्गति नहीं होती। गिरनार की मिट्टी को योग्य उपचार करके तेल और घी के अंदर मिक्स करो और अग्नि में तपाओ तो वो मिट्टी सुवर्ण बन जाती है। गजपत कुंड के जल का पान करने से 6 महीने का रोग भी नाश हो जाता है। दुनिया की कोई भी दिव्य औषधि बाकी नहीं होगी जो गिरनार पर ना मिलती हो। जो तीर्थ की अधिष्ठाई का स्वयं अंबिका माता है और जहाँ पर अमावस का महिमा निराला है वो है मेरा गिरनार। जो गिरनार की रक्षा के लिए पिथरसा मंत्री ने 11,200 किलो सुवर्ण अर्पण किया था। भीमा साथरिया ने गिरनार के जीर्णोद्धार के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति अर्पण करी थी। धार श्रावक ने गिरनार की रक्षा के लिए अपने 5 पुत्रों का बलिदान दिया था। सूर्य सम्राट बप्पा भट्टसूरी महाराजा अपनी आकाशगामिनी विद्या से हर रोज गोपालगिरी, भरूच, मथुरा, शत्रुंजय और गिरनार ये 5 तीर्थों की यात्रा करते थे। उसके बाद ही पानी का उपयोग करते थे। वस्तुपाल देशपाल मंत्री शत्रुंजय और गिरनार जी का संग निकालते हैं। शत्रुंजय के ऊपर 18,86,00,000 और गिरनार जी के ऊपर 12,80,00,000 द्रव्य का खर्च करते हैं। और वस्तुपाल तेजपाल की पत्नियां ललिता देवी और अनुपमा देवी शत्रुंजय और गिरनार दोनों के ऊपर 32,32,00,000 सोना मोहर के आभूषण प्रभु के चरणों में अर्पण करते हैं। बप्पा भट्टासूरी महाराजा के उपदेश से आम राजा ने गिरनार जी का संग निकाला और उसमें 1,00,000 सुभट थे, 1,00,000 घोड़े थे, 700 हाथी थे, 20,000 ऊंट थे, 3,00,000 भैंसे थे और 20,00,000 श्रावक श्राविका का परिवार था और सैकड़ों श्रमण श्रमणी भगवंत थे। ऐसा अद्भुत गिरनार जी का संग उन्होंने निकाला था। ऐसे अद्भुत गरबा गिरनार की मेरे उज्जैन गिरी 895 साल गिरा। जय गिरनार, जय नैमिनाथ।